नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द मेड इफेक्ट्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ताजा करेला और जामुन के बीज से बने जूस पीने से क्या फायदा होता है। दोस्तों करेला और जामुन दोनों ही एसेंशियल पोषक तत्व से भरपूर होता है, जो मेनली हाई ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसके कई सारे फायदे है। दोस्तों करेला और जामुन प्राचीन काल से ही डायबिटीज के मरीजों के लिए उपयोग किया जा रहा है और आज भी ये ट्रेंड में है, क्योंकि डायबिटीज के अलावा इसके कई सारे फायदे हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों करेला में पॉलीपेप्टाइड बी या पी इंसुलिन नमक एक विशेष इंसुलिन मौजूद होता है, जो आमतौर पर ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है, जबकि काला जामुन में मिनरल्स, विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन आदि से भरपूर होता है, जो करेले के रस के साथ मिलने पर दोगुने तेजी से काम करने लगता है। अब आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज को नियंत्रित रखने के अलावा और क्या क्या इसके खास फायदे है। करेला जामुन जूस का सेवन डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए एक शानदार तरीका हो सकता है। अगर आपको लीवर की समस्याएं हैं तो ऐसे में आप इस जूस का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये जूस लीवर को डिटॉक्स करने में सहायता करती है और साथ ही पेट में होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग से भी राहत दिलाती है। इसके अलावा ये जूस खून में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में सहायता करता है, जिसका मतलब ये होता है कि हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाती है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि जामुन में पर्याप्त पोटेशियम पाया जाता है, जो शरीर के एक्सेस सोडियम यानी नमक को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। खून को साफ करने के लिए करेला और जामुन का जूस बहुत ही ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि खून में विषाक्त पदार्थ जमा होने की वजह से चेहरे पर पिंपल्स और स्किन इन्फेक्शन जैसे कई समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप इस जूस का सेवन कर सकते हैं। करेला और जामुन का जूस स्वस्थ त्वचा और चमकदार बालों के लिए हो सकता है फायदेमंद, क्योंकि ये बॉडी में कोलेजन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, जिससे बोन, लिगामेंट, टिश्यूज और स्किन को फायदा पहुंचने के साथ साथ डेड सेल्स की जगह नए सेल्स को ग्रो होने में मदद करता है। इस जूस में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होने के कारण एक्सेस ऑयली पदार्थ को निकलने से रोकता है, जिससे त्वचा जबा जबा और फ्रेश दिखती है। इसके अलावा करेले और जामुन के रस में विटामिन सी, विटामिन ए, बायोटिन और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो बालों को लंबे, घने और चमकदार बनाते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि इस जूस को किस तरह पीना चाहिए। इस जूस को आप दिन में दो बार एक गिलास पानी के साथ 30 ml करेला जामुन जूस मिलाकर पी सकते हैं। इस जूस को आप सुबह खाली पेट बिल्कुल ना पिए, क्योंकि जामुन बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, जिससे हाइपर एसिडिटी के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों इस जूस को आप खुद घर पर बना सकते हैं या फिर आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पर विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।